है ये मार्स या गाइस। तो ये है मेरे गैस स्टोव आने की खुशी में कुछ मीठा। तो गाइस तो मुझे जिसका इंतजार था वो आ चुका है और वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसे मैं करती हूँ अनबॉक्सिंग और देखती हूँ कि ये कैसा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लुक वाइज। और इसका प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि इसका प्राइस क्या है। वैसे अमेजोन पे जब डिस्काउंट ऑफर चल रहा था तब मैंने इसे लिया है और ये सोलिमो ब्रांड का है। तो ये अमेजोन का खुद का ब्रांड है और ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे और इसके बहुत सारे रिव्यू वगैरह भी मैंने देखे। तो चलिए अभी मैं इसका थोड़ा पूजा कर लेती हूँ क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी नया चीज़ आता है हम उसका पूजा जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूजा की सारी चीज़ें ले ली है तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर इसे जलाऊंगी। पूजा कर लिया है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा इसका ये बर्निंग है ये आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया है और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये तेज हो जा रहा है इसका आँच और इस तरीके से कम तेज कम। तो चलिए अब दूसरे तो बर्निंग सब में अच्छा है। ये वाला जो है ये काफी तेज है ये थोड़ा स्लो है और ये तेज है और वो थोड़ा स्लो है। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा गैस स्टोव है और इस ग्लास वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम देख सकते हो एकदम मिरर के तरह इसका ग्लास है और बहुत ही सुंदर है। सो गाइस तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये 4 बर्नर न्यू गैस स्टोव मुझे ज़रूर बताना और मैं इसका अच्छा रिव्यू दूंगी। और आप भी चाहो तो अमेजोन से जाके इसे ले सकते हो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी इसका प्राइस क्या है और ये कितने में मिला है। तो कुछ इस तरीके का है ये। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में कुछ मीठा तो चलिए मीठा बनाते हैं और आप लोग भी आ जाइए। सो
तो गाइस, तो गैस स्टोव आने के खुशी में मैं बनाने वाली हूँ कुछ मीठे में। तो अभी यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है। तो ये है गोविंद भोग राइस, और इसके दाने जो हैं बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये दाना जो है चावल का बहुत ही छोटा छोटा सा होता है। और सो गाइस, ये गोविंद भोग राइस है। सो गाइस, तो मैं किस तरीके से खीर बनाती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली। और यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो रहा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ इसको सबसे पहले धो लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे चावल को मैंने धो लिया है, तो अब मैं इसमें कुछ मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी, शुद्ध देसी घी है ये। तो इस चावल में मैंने डाल दिया है ये घी, और अब हम इस चावल में इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे चावल में मैंने घी को एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। और इधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है, तो दूध अच्छे से खौल जाएगा तब मैं इसमें ये चावल मिक्स करूँगी। तो चावल अभी मैंने रखा है घी लगा के, तो उसे मैं इसमें डालूंगी। और फिर जिस तरीके से नॉर्मल खीर बनता है अच्छे से एकदम पका के धीमी आँच पे, बस उस तरीके से पका लेंगे। तो अभी दूध को खौलने देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरा दूध भी खोल चुका है और चावल भी एकदम अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब मैं इसे डालती हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर 3/3 दूध है तो उससे 1/3 से भी कम चावल हमें लेना चाहिए, तभी असली खीर का मज़ा आता है। तो दूध का मात्रा ज़्यादा और चावल का मात्रा बहुत कम हो जाता है, कम रखना चाहिए। जैसे कि 1 किलो दूध है तो हम 100 ग्राम के आसपास चावल रखेंगे, तो बस उसी हिसाब से अगर आप हम चावल लेंगे तो हमारा खीर जो बहुत ही अच्छा बन के आएगा। तो चलिए अब मैं इसे डाल देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम बनाएंगे खीर को। और बस अब नॉर्मली जैसे हम खीर को खौलाते हैं एकदम धीमी आंच पे, तो उसी तरीके से हमें इसे खौला लेना है। तो अभी मैं इसको एकदम धीमी आंच पे छोड़ चुकी हूँ, और बीच बीच में हम खीर को चलाते रहेंगे। काजू, किशमिश और इलायची, तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। खीर, और अभी मैं उसमें डालने वाली हूँ चीनी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, तो ये ISI हॉलमार्क है इसमें लगा हुआ। तो ISI हॉलमार्क का मतलब है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। ISI हॉलमार्क होना बहुत ही अच्छा होता है, तो ये अच्छे प्रोडक्ट की निशानी होती है ये मार्क, ये आप लोग देख सकते हो। तो और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप लोग को, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से क्लीन करना है, वो सारी चीज़ें। और ये हर टाइप का आता है, 4 बर्नर, 3 बर्नर एंड 2 बर्नर। तो आप इन तीनों में से जो लेना चाहो वो ले सकते हो। मैं इसमें डालती हूँ चीनी। तो चीनी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना मीठा खाना है। चलिए चीनी डाल के 3 से 4 मिनट और मैं उसे पकने देती हूँ। चीनी मैंने अभी डाल दिया है, तो 3-4 मिनट और पकेगा, उसके बाद मेरा खीर रेडी हो जाएगा। और चावल भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इधर मैं सब्जी बनाने का तैयारी कर रही हूँ, और ये है भिंडी। तो अभी मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने। तो ये है नारियल का बुरादा, तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ इसे, और इसे एकदम लास्ट में हम डालेंगे। गैस बंद कर दिया है, चलिए अब मैं इसे डालती हूँ।
सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा खीर बनके रेडी हो गया है और ये आप लोग देख सकते हो, तो वाइट कटोरा में है इसलिए ये पूरा वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो गाइस, तो ये है मेरे गैस स्टोव आने की खुशी में कुछ मीठा आप सभी लोगों के लिए। तो जिन जिन को ये खाना है आप सभी आ जाइए, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी पर्पज से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।